हेलो दोस्तों, मैं आप लोगों का दोस्त मुश्ताक शेख। मैं एक टूल्स का वीडियो लाया हूं, उसमें हम समझाने की कोशिश करेंगे कि टूल्स किस तरह से इस्तेमाल करना है, किस टाइप का, पूरा डिटेल्स जानकारी देंगे। और टूल्स लेना है तो इस दिए गए नंबर में कॉल करें। टूल्स के बारे में बताने वाला हूं कि बहुत सारा आदमी को ये गलतफहमी है कि कौन सा टूल लेना चाहिए। मान लीजिए एक हम टूल्स का सेट दिखा रहे हैं, ये हो गया, ये देख रहे हैं, ये वाला बैट के साथ आते हैं, ये देखिए, ये बैट के साथ आते हैं। ये बैट ऐसे लगा देंगे तो अब इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको लगा देंगे मुट्ठी के साथ, ये ठोक देंगे तो इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारा भाई ये सोचते हैं कि अरे जो टूल्स आते हैं जो बिना बेड वाला, तो उस टूल का इस्तेमाल करने से अच्छा है ना इसका इस्तेमाल करने से अच्छा है। मैं ये कहना चाहता हूँ इस टूल का इस्तेमाल करने से ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि अब जब बैट रहेगा ना, जब बैट रहेगा तो आपको पकड़ने में थोड़ा सुविधा होगा, और जो बिना बैट का रहता है वो सुविधा नहीं रहता है, उसको आप मर्जी से अपनी चला नहीं सकते, यानी उसके लिए प्रैक्टिस करना पड़ता है। ये मेरे ख्याल से यही वाला ठीक है, काहे कि इसमें बैट लगा रहता है, इसमें अब बैट लगा के यूज करेंगे तो यहाँ पकड़ने बनेगा, इसीलिए ये वाला टूल्स मेरे ख्याल से सही है। से टूल्स लिए, मान लीजिए टूल्स लिए, मैं सामान मतलब टूल्स बेचता रहता हूँ, ऑनलाइन करता रहता हूँ मतलब, तो टूल्स लेने के बाद वो क्या करते, अब ये जो धार है ना, अभी ये नया है, हम बेचेंगे इसको, अभी ये धार नहीं है, देख रहे ना, धार नहीं है, ये सारे टूल्स में धार नहीं है। तो वो क्या करते मतलब ग्राइंडर का इस्तेमाल करते हैं, ग्राइंडर का इस्तेमाल करने के बाद जैसे ये जगह हिट हो जाते हैं, हिट हो जाने से वो टेम्पर ख़त्म हो जाते हैं, इसीलिए ग्राइंडर का इस्तेमाल ना करें। तो पहले शुरुआती अवस्था में पानी पत्थर का इस्तेमाल करें, पहले मोटा पोजीशन में मारे, मोटा वाली में, उसके बाद पतला, फिर तेल सिलट से इस्तेमाल करें, तेल बोलने से वो सुरसा तेल, और सिलट बोलने से जो पत्थर का आता है ना, वो जो बच्चे लोग उन लिखते थे बचपन में और फिर पानी से मिटाते थे, वो सिलट का इस्तेमाल करें तो ये टेम्पर ज़्यादा। अब सवाल होता है कि भाई कौन सा टूल्स हम इस्तेमाल करना चाहिए, और क्या किस टाइप का इस्तेमाल करना चाहिए, और कैसे पता चले मेरा औजार ये टेम्पर ठीक रहता है या नहीं। मेरे ख्याल से यही टूल्स इस्तेमाल करना चाहिए, मैंने पहले भी बताया कि ये मुट्ठी पकड़ने में सुविधा होता है। दूसरा बात है जो टेम्पर रहेगा ना, उसको आप कौन सा टूल्स सही है या गलत है, जब आप धार देंगे ना, वो धार और जो पपड़ी बनने लगता है, जो पपड़ी बनने लगता है, जो टूटने लगता है, वो टूल सही होता है। पपड़ी बनने के बाद वो टूटते रहता है मतलब झड़ेगा, और जो टूल्स धार देंगे वो टीना जैसा मुड़ जाएगा, मतलब मुड़ जाएगा, वो टूटेगा नहीं, मतलब जितना भी धार दे टीना जैसा मुड़ जाएगा लेकिन टूटेगा नहीं, टूट के झड़ेगा नहीं, तो वो टूल सही नहीं रहता है। समझाने की कोशिश करें जो किस टाइप का मतलब टूल्स लेके मतलब क्या करें। ऐसे मान लीजिए ये टूल्स ऐसे हो गया तो ये अंदर नहीं जाता है, लेकिन जो वाला अंदर जाएगा उसको ठोक दीजिएगा, ठीक है। मान लीजिए ये बड़ा है तो इसमें नहीं ठोक पाएंगे तो थोड़ा सा यहाँ पर छेद कर लीजिएगा ड्रिल से। अब क्या होता है, ड्रिल से जब छेद करेंगे तो ये ज़्यादा मतलब ये हो जाएगा, तो इससे आप ये कर सकते हैं। तो ये जो लोहा लगा रहता है इससे क्या है, ये आपका टूल्स मतलब ये जो लकड़ी है टूटेगा नहीं, जितना भी मारेंगे टूटेगा नहीं। साइज कैसा है आप लोगों को वीडियो में, मैंने एक तो वीडियो में दिखाया है, लेकिन अभी दागी देख के दिखाएंगे कि किस तरह का साइज है। ये देखिए, ये राउंड है, रेकी है, रेकी बोलने से जिसे मतलब काम किया जाता है,
ये देख मेरे ये दागी दे रहे समझाने के लिए कि किस टाइप का है ये वाला। ये सीधा 1/4 इंची ये 1 इंची दो सूता ये 1.5 सूता रेखी ये राउंड बाटली पूरा टोटल आपका 16 पीस रहेंगे छोटा बड़ा मिला करके टोटल 16 पीस रहेंगे। अब मेरा वीडियो में पूरा देखे होंगे शायद किस टाइप का राउंड बाटली रहेगा आपको देख रहे हैं धागे देख के दिखा रहे हैं किस टाइप का सीधा बाटली राउंड बाटली है ना पूरा धागे धागे से समझ में आएगा शायद। ये भी रेखी बाटली है टोटल 3 ठो रेखी बाटली रहेगा रेखी की धागी ठीक से नहीं हुआ है ठीक है। जैसे आपको और भी वीडियो में डायरेक्ट दिखा रहे हैं ये देखें ये 1.5 इंच से थोड़ा छोटा है ये 3 सूता है ये गोल बाटली 1/2 इंच वाला ये 1/2 इंच रेखी 3 सूता रेखी ये राउंड बाटली ये 1/2 इंची सीधा जितना सारा बाटली है देख लीजिए ये देखिए राउंड बाटली ये 1 इंची ये राउंड बाटली आएगा थोड़ा भांसा ये गोभी बाटली देख रहे ना ये 1/2 इंची ये छोटा राउंड ये 1.5 सूता रेखी ये 2 सूता बाटली ये राउंड बाटली टोटल 16 पीस हो गया। तो मेरे दिए गए नंबर में कॉल करें ठीक है टूल्स अगर लेना है। चलिए अगले वीडियो में मिलेंगे तब तक अपना ख्याल रखें।